नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है रोहित शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीएचपी न्यूज चैनल में। आज है दिनांक 12 नवंबर 2022 दिन शनिवार। आज का दिन सभी हिमाचल वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन आपसे निवेदन है कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने अवश्य जाएं, अपने अधिकार का पूर्ण रूप से प्रयोग करें। ऐसे में आप सभी संकल्प लें कि आप वोट जरूर करेंगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहना चाहिए जो अपने वोट का इस्तेमाल ना करे। आप सभी अपने आसपास के लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित कीजिए। आपके द्वारा डाले जाने वाले वोट से ही अच्छी सरकार चुनी जाएगी। इसके साथ ही आज आप हमें वोट करते हुए अपनी फोटो व्हाट्सएप पर इस नंबर पर भेज सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी फोटो को अपने चैनल पर हम दिखाएं। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के हिमाचल प्रदेश के मुख्य समाचार। लोकतंत्र के महापर्व के लिए हिमाचल छावनी में तब्दील, चप्पे चप्पे पर CAPAF पुलिस बल तैनात। हिमाचल में शनिवार को लोकतंत्र का महापर्व है। विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश भर में पुलिस विभाग ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। राज्य निर्वाचन विभाग के आदेशानुसार हिमाचल के साथ लगती पड़ोसी राज्यों की सीमाओं पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। शराब और नकदी की सप्लाई को लेकर CCTV और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। चुनाव को लेकर हिमाचल छावनी में तब्दील हो गया है। हिमाचल में सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा CAPAF और हिमाचल पुलिस और होमगार्ड के जवानों पर है। हिमाचल विधानसभा चुनाव के चलते 11,847 पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई है। इनके अलावा 8,381 होमगार्ड के जवान भी ड्यूटी में रहेंगे। इसमें 4,500 जवान हिमाचल, 2,500 उत्तराखंड और 1,381 उत्तर प्रदेश के होमगार्ड जवान शामिल हैं। 6,500 के करीब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में तैनाती की गई है। इनके हवाले हिमाचल के 27 शराब कारखानों की सुरक्षा का जिम्मा भी रहेगा। हिमाचल के 108 बैरियर पर नाके लगाए गए हैं। बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले गाड़ियों को चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। जिला सोलन, सिरमौर, चंबा, कांगड़ा और ऊना में अतिरिक्त केंद्रीय सशस्त्र बल तैनात किया गया है। पुलिस मुख्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां से पल पल की जानकारी ली जा रही है। CID खुफिया तंत्र शहरों में हर गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। हिमाचल में फिर बारिश बर्फबारी के आसार, मतदान के दिन ऐसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के सभी 68 सीटों के लिए आज शनिवार को मतदान होगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को होने वाले मतदान के दिन मौसम शुष्क रहेगा। प्रदेश के कई भागों में 14 नवंबर को बारिश बर्फबारी की संभावना है। वहीं 13 नवंबर को मध्य व उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर बारिश बर्फबारी हो सकती है। 15 नवंबर से पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। शुक्रवार को शिमला समेत अन्य भागों में मौसम साफ रहा। धूप खिलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली। केलांग में न्यूनतम तापमान -4.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और कल्पा में -0.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आधा फीट बर्फ में 28 किलोमीटर पैदल चल, चुनावी ड्यूटी देने पहुंचा बोर्ड कर्मी। चुनाव ड्यूटी के लिए एक कर्मचारी बर्फ के बीच 28 किलोमीटर पैदल चलकर किलाड़ मुख्यालय पहुंचा। मान सिंह बिजली बोर्ड पूर्ति में सेक्शन में कार्यरत हैं। उनकी चुनाव ड्यूटी की हर मुख्यालय में लगी है। शुक्रवार तड़के वह अपने क्वार्टर से किलाड़ के लिए निकले। करीब आधा फीट बर्फ में 28 किलोमीटर पैदल चलने के बाद किलाड़ पहुंचे। रास्ते में कई प्रकार की रुकावटें भी आई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। चुनाव के दौरान किलाड़ मुख्यालय में बिजली की समस्या से निपटने के लिए उनकी ड्यूटी लगी है। उनके साथ अन्य कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं। वीरवार को उन्हें पूर्ति में ड्यूटी को लेकर आदेश मिले थे। आदेश मिलने पर शुक्रवार तड़के वह 3 घंटे की पैदल यात्रा कर किलाड़ पहुंचे। 12 नवंबर से 5 दिसंबर शाम 5:30 तक एग्जिट ओपिनियन पोल पर प्रतिबंध। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आज 12 नवंबर को मतदान के दिन सुबह 8 बजे से 5 दिसंबर को शाम 5:30 तक एग्जिट और ओपिनियन पोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हिमाचल और गुजरात विधानसभाओं के वर्तमान चुनाव के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल और चुनाव परिणाम का समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के माध्यम से प्रकाशन अथवा प्रचार प्रसार पर रोक रहेगी। भारत चुनाव आयोग ने जारी अधिसूचना में कहा है कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी मत सर्वेक्षण के परिणाम का इस अवधि के दौरान प्रचार प्रसार नहीं करेगा। हिमाचल में 55,92,828 वोटर्स भाग्य विधाता, 50% पोलिंग बूथों पर होगी वेबकास्टिंग। हिमाचल में 14वीं विधानसभा के लिए 12 नवंबर यानी आज मतदान होना है और 8 दिसंबर को नतीजे आने हैं।
इस दिन पता चल पाएगा कि जनता ने किस पर विश्वास जताया है। हिमाचल में मतदान के लिए चुनाव विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के लिए इस बार कुल 55,92,828 मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। वोट डालने के लिए चुनाव विभाग ने प्रदेश में कुल 7,881 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। चुनाव आयोग की ओर से युवा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए शिमला के रिज पर युवाओं को मतदान की शपथ दिलाई और जागरूकता रैली भी निकाली। इस दौरान नुक्कड़ नाटक के द्वारा भी मतदाताओं को जागरूक किया गया। सराद से कांग्रेस के 3 नेता 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सराज के अध्यक्ष की शिकायत पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने 3 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव प्रचार करने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर बुद्धिजीवी विभाग के अध्यक्ष विजय पाल सिंह चौहान, प्रदेश कांग्रेस सचिव महेंद्र ठाकुर तथा प्रदेश युवा कांग्रेस सचिव नरेंद्र कुमार को पार्टी से निष्कासित किया गया है। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनु ठाकुर भाजपा से 6 साल के लिए निष्कासित। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में भाजपा ने एक और नेता को निष्कासित कर दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में स्थगित पाए जाने पर आने से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनु ठाकुर की प्राथमिक सदस्यता को तुरंत प्रभाव से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। अब 4 घंटे से कम समय में तय होगा ट्रेन में कालका से शिमला तक का सफर, रेलवे ने किया ट्रायल। कालका से शिमला का ट्रेन का सफर जल्द ही 4 घंटे से कम समय में तय होगा। अभी 5 घंटे से अधिक का समय लगता है। कालका शिमला ट्रैक पर चलने वाली ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए RDSO रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की टेस्टिंग टीम ने ट्रायल शुरू कर दिया है। ट्रेन की रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा करने की तैयारी है। RDSO लखनऊ की 13 सदस्यीय टेस्टिंग टीम ने शिमला और शोघी के बीच ट्रेन की रफ्तार बढ़ाने के लिए दूसरे चरण का ट्रायल शुरू कर दिया है। 4 कोच और 2 इंजन वाली ट्रेन में सेंसर लगाकर ट्रायल किए जा रहे हैं। इसके लिए खास तौर पर कालका से इंजन लाए गए हैं। चलती गाड़ी में पिस्टन से सेंसर को क्षति ना पहुंचे, इसके लिए एहतियात बरती गई। विधानसभा चुनाव के दिन सरकारी गैर सरकारी कर्मचारियों को अवकाश। आज विधानसभा चुनाव के चलते हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों, निगम, बोर्डों, शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए मतदान के दिन 12 नवंबर 2022 को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 25 के तहत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए यह वेतनिक अवकाश होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि जो कर्मचारी अपने गृह विधानसभा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में कार्यरत है, वह मतदान के एक दिन पहले 11 नवंबर को विशेष आकस्मिक अवकाश कर सकेंगे। हिमाचल के कुल्लू में 2 मकान जलकर हुए राख, 1 गाय भी जिंदा जली। हिमाचल के कुल्लू जिला में 2 मकान आग की भेंट चढ़ गए। इस आगजनी में जहां 2 परिवारों का सब कुछ जलकर राख हो गया, वहीं 1 गाय भी जिंदा जल गई। यह आग कुल्लू के आनी खंड की वूछर पंचायत में निचला तराला में शुक्रवार शाम के समय लगी। इस आग ने 8-8 कमरों के 2 मकान जलाकर राख कर दिए। आग कैसे लगी अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं सूचना मिलते ही जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। ड्राई डे पर खोल रखी थी वाइन शॉप, आबकारी विभाग ने सील किया परिसर। हिमाचल में विधानसभा चुनाव के चलते पूरे प्रदेश में शराब की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है। चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक प्रदेश में ड्राई डे घोषित किया गया है। इसी बीच सोलन जिला में राज्य कर एवं आबकारी विभाग की टीम ने सुबाथू में ड्राई डे पर वाइन शॉप खुली रखने पर सख्त कार्रवाई की है। टीम ने वाइन शॉप परिसर सील कर दिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के आयुक्त यूनुस ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत पूरे प्रदेश में शराब की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है। प्रदेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के दृष्टिगत शराब की आपूर्ति रोकने के लिए विभाग के अधिकारी संदिग्ध परिस्थितियों और अन्य गतिविधियों पर नजर बनाए हुए रखे हैं।